देश के बाजारों में आयातित काली मिर्च की आवक बढ़ रही है। अन्य काली मिर्च उत्पादक देशों में दाम घट रहे हैं। ब्राजील में काली मिर्च 2500 से 2600 रुपए डॉलर प्रति टन बोली जा रही है, जबकि वियतनाम की काली मिर्च 3000 डॉलर प्रति टन है। श्रीलंका की काली मिर्च के दाम 5000 डॉलर प्रति टन पर पहुंच गए हैं। इस बीच देश के बाजारों में ब्राजील और वियतनाम की काली मिर्च का आयात लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। स्थानीय कारोबारियों के अनुसार अवैध और मिस डिक्लेरेशन के साथ काली मिर्च को भारत के बाजारों में लाया जा रहा है। कपास और पेपर वेस्ट के नाम पर दोनों देशों से काली मिर्च को आयात किया जा रहा है। इस तरह टैक्स बचाने के चलते विदेशी काली मिर्च स्थानीय बाजारों में 490 रुपए से लेकर 495 रुपए प्रति किलो के दाम पर उपलब्ध है। भारतीय काली मिर्च के दाम 490 रुपए पर है, लेकिन जीएसटी और भाड़े के साथ इसकी लागत 500 रुपए के पार जा रही है। ऐसे में भारतीय काली मिर्च पर विदेशी माल दबाव बना रहे हैं। उधर इंडियन पेपर एंड स्पाइस ट्रेडर्स एसोसिएशन के अनुसार अभी भारतीय काली मिर्च के दाम स्थिर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बाजार में अभी त्योहारों की मांग बनी हुई है। विदेशी मालों के दबाव से आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि काली मिर्च के दाम में गिरावट बढ़ सकती है। वहीं इंदौर बाजार में काली मिर्च अभी 525 रुपए किलो के दाम पर मिल रही है। एक दो दिनों में इसमें भी गिरावट की उम्मीद की जा रही है। माना जा रहा है कि आगे चलकर इसकी काली मिर्च की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।